नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया था कि गवर्नर सचिवालय ने एडवोकेट सहन नकवी की अर्जी उचित कार्रवाई के आशय के साथ यूपी सरकार को भेजी है और इस अर्जी पर यूपी सरकार के कारागार विभाग के प्रमुख सचिव से नियमों के मुताबिक उचित फैसला लेने के लिए कहा है। यहाँ तक आपको अपडेट है। अब इसमें एक नया अपडेट हुआ है जो मैं आपको आज इस वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं और इसके बारे में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि गवर्नर सचिवालय ने आदेश की कॉपी अर्जी दाखिल करने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला वकील सैर नकवी को उसको कॉपी जो है 12 जुलाई को मिल चुकी है और राज्यपाल सचिव से अर्जी का जवाब आने के बाद सैर नकवी का ये दावा भी है कि प्रमुख सचिव के यहाँ से तमाम दलीलों और पुरानी नजीरों के आधार पर मजबूत पैरवी की जाएगी जिससे शबनम की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलवाने का प्रयास किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और है। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि शबनम लगभग 14 साल की कैद पूरी कर चुकी है अपनी और अब जो नई राष्ट्रपति आई हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी इन वकील साहिबा को काफ़ी उम्मीद है कि ये इस मामले को सॉल्व करेंगी और शबनम के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस पूरे मामले को देखेंगी। इस जो वकील साहिबा हैं सैर नकवी, उन्होंने जल्द ही राष्ट्रपति कार्यालय में मिल करके वहाँ अपनी बात कहने के लिए दोबारा से अपना मन बनाया है, ये उनका कहना है। अगर उनकी ठीक ठाक बात हो जाती है, क्योंकि केवल शबनम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें एक बार फिर से उन केसेस पे विचार किया जाना है। एक बात और है, आपके दिमाग में आ रही होगी कि शबनम का केस जो है वो राष्ट्रपति के यहाँ से उनकी अपील खारिज हो चुकी है, उनके बेटे ने भी ताज ने भी अपील की थी, वो भी खारिज हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक बिंदु है जो समझना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी सलीम की जो फरियाद है राष्ट्रपति भवन में पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर अभी विचार होना बाकी है और उस पर विचार होता है तो उसका फायदा भी शबनम को मिलेगा, क्योंकि दोनों एक ही केस में आरोपी हैं, एक ही केस में इनको सजा मिली हुई है फांसी की। और शबनम बार बार ये कह रही है कि उसके केस को दोबारा से रीओपन किया जाए, उनकी वकील भी इस केस को एक तरफ रीओपन करना चाहती हैं, दूसरी तरफ वो पर्सनल लेवल पे राष्ट्रपति कार्यालय में जा करके इस पूरे मामले को फिर से रखने का मूड बना चुकी हैं। तो उसे ये लगता है कि इस मामले में शबनम और सलीम को कुछ राहत मिलेगी और जब राहत मिलेगी तो उनकी जो सज़ा है उसको लेकर के उनको राहत मिलेगी। आपको जैसा कि पता ही है, शबनम और उसके प्रेमी सलीम ने शबनम के परिवार के सात लोगों को अपने रास्ते से हटाया था, ऐसा पुलिस का कहना है, और इसी मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया, ये भी पुलिस का कहना है। प्रेमी सलीम से शादी करने के लिए शबनम ने ये सब किया, ये भी पुलिस का कहना है, और कोर्ट ने उनके प्रेमी सलीम को भी सेम सजा सुनाई है जो शबनम को है। सलीम इस समय नैनी सेंट्रल जेल में है जबकि
उसके पास अभी बचने के बहुत सारे विकल्प हैं। हाँ, शबनम की याचिका उस समय राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थी। जो वाकया हुआ था वो अप्रैल 2008 का है। यूपी का जिला अमरोहा, अमरोहा में एक गांव है बावलखेड़ा, वहाँ पर ये कांड हुआ था। शबनम इस समय बरेली जेल में है और शबनम के लिए पैरवी करने वाली वकील सैर नकवी का ये दावा है कि वो सिर्फ महिला होने के नाते शबनम को उसकी सजा से बचाना चाहती है। अधिवक्ता सैर नकवी का ये भी कहना है कि उनका मकसद ये भी है कि उनका जो बच्चा है, शबनम का जो बच्चा है, उसको देखते हुए शबनम की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों यही वकील सलीम से मिलने गई थी। सलीम ने उन्हें एक नई कहानी बताई। उन्होंने ये कहा कि उसका शबनम से कोई वास्ता नहीं है और ये जो बच्चा है ये उसका नहीं है, वो चाहे तो उसका डीएनए टेस्ट करवा लें। अब डीएनए टेस्ट की बात सलीम के जहन में कहाँ से आती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सलीम आज की तारीख में वो 5वीं क्लास पढ़ा हुआ सलीम नहीं है, वो इस समय पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है। दुनिया भर के अखबार पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, उसे पता है कि डीएनए टेस्ट भी कोई चीज़ होती है। अब अगर वो ये कह रहा है कि उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो उसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। इतनी बड़ी बात उसने कह दी है, क्योंकि इस केस का बेस क्या है? इस केस का बेस है कि दोनों ने मिल करके, यानी कि शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके ये पूरा कांड जो है किया है। अब जब उसका प्रेमी ही, उसका प्रेमी खुद को कह रहा है कि मैं उसका प्रेमी नहीं हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ये बच्चा जो है ये भी मेरा नहीं है जो शबनम ने जेल में पैदा किया है, तो उस बात पे भी गौर होना चाहिए। और सहर नकवी इस लाइन पे भी काम कर रही है। अगर इस लाइन पे काम करती हैं, प्रॉपर काम होता है इस लाइन पे, तो ये जो लीड मैंने आपको बताई है इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी बात शबनम के लिए निकल के आएगी। दोस्तों, फिलहाल मेरे पास इतना ही अपडेट है शबनम के लिए। आप मेरा चैनल देखते रहिए और अपनी राय भी मुझे देते रहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी जब मेरे पास कोई और नया अपडेट होगा शबनम को लेकर के। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।